नमस्कार, मसाला महक में आपका स्वागत है। मैं आज दलसग्गा बनाने जा रही हूँ। तो मैं 100 ग्राम ये ड्रम स्टिक लीफ है और इसको मैं अच्छे से धो ली हूँ। मुड़िंगा की पत्ती भी बोलते हैं, मुड़िंगा, और ये मसूर दाल है आधा कप, इसको भी मैं धो ली हूँ। एक प्याज है, एक टमाटर है, 3 लहसुन की कलियाँ हैं, और ये मसूर दाल को भी मैं अच्छे से धो ली हूँ और कुकर में डाल रही हूँ। तो आप भी ज़रूर धो लें अच्छे से, साफ से। और इसमें मैं साग डाल रही हूँ, वही सहजन जिसको सजमन भी बोलते हैं। तो इसको भी मैं अच्छे से धो ली थी। और 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 तेज़पात, और 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के इसको सीटी आने तक, मैं 5 सीटी आने तक मैं पका लूँगी। तो देख सकते हैं आप, मैं चढ़ा दी हूँ, 5 सीटी लग जाएगा। तो फिर मैं इसको नीचे उतार के, और जब तक ठंडा ना हो, भाप ना ख़त्म हो कुकर का, तब तक ना खोलें। तो देखिए ये सीटी लग गया है, कितने अच्छे से गल गया है, पक गया है। तो इधर मैं एक कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। कढ़ाई में मैं 2 बड़ा चम्मच सरसों तेल डाली हूँ और 2 चम्मच देसी घी डाली हूँ। आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, जो भी तेल खाते हैं वो डाल सकते हैं। और ये क्यूमिन सीड्स है 1 चम्मच, टीस्पून जीरा ली हूँ, और 1 लाल मिर्च, मिर्च भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग दें, ये सूखी लाल मिर्च है। फिर ये लहसुन, कटी हुई लहसुन, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो मैं प्याज डाल दी हूँ। तो देखिए इस तरह से ये प्याज जो मैं 1 बड़ा ली थी, उसको इस पतले पतले चॉप कर ली हूँ छोटे छोटे पीसेस में, और उसको डाल दी हूँ। इसका भी कलर अब चेंज हो गया। तो इसमें मैं हल्दी पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल के, और फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखें। तो देखिए फिर ये हल्का भुन गया मसाला। तो मैं ये टमाटर ऐड कर दी हूँ, 1 टमाटर काट के, रफली काट के डाल दी हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ 4 चम्मच के बराबर, ताकि मसाला ना जले। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, फिर कवर करके छोड़ दी हूँ। अब देखिए ये गरम मसाला है, रेडीमेड सब्जी मसाला है। तो 1/2 चम्मच मैं डाल दी हूँ, और आप नहीं भी डाल सकते हैं। घर में था तो डाल दी, नहीं रहता तो मैं अभी नहीं डालती। तो इस तरह से धीरे धीरे मिक्स करें, चलाएं, और फिर देखिए मसाला मेरा भुन गया, तेल छोड़ दिया साइड से। तो मैं ये बॉयल्ड दाल एंड ये साग जो था मुड़िंगा का, वो डाल दी हूँ। तो इस तरह से आप भी बनाएं, बहुत टेस्टी बनेगा और हेल्दी भी, काफ़ी हेल्दी है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। ये गरम मसाला 1/2 चम्मच, घर का बना हुआ गरम मसाला है। प्लीज़ आप ज़रूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें।